बसमिल मैं आपको खुश आमद कहता हूँ प्रोग्राम दानश में हमारे साथ ये सब शाह साहब मौजूद हैं हमेशा की तरह जो दानश और इल्म के मोती बखेरते हैं हमारी रहनमाई करते हैं हमें गाइड करते हैं रूहानी मसाइल के हवाले इल्मी मसाइल के हवाले से शाह साहब वक्त बड़ा मुश्किल इस वक्त चल रहा है और उसी वक्त के हवाले से लोग ये बात करते हैं कि कहीं रब तला हमसे नाराज़ तो नहीं हो गया अगर कौमों को देखा जाए कुरान मजीद में भी बार बार ज़िक्र आता है जो उन कौमों का जिन्होंने नाफरमानी की कौम लूत की बात आती है उन पर अज़ नाजल हुआ इसी दुनिया में हुआ इसी दुनिया के अमाल की वजह से हुआ फिरौन की मिसाल ली जाए उसके साथ जो बहुत से लोगों का हज हुआ वो भी इसी दुनिया में उनके अमाल की वजह से हुआ तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलतियाँ कर दी हैं इस दुनिया में जिसकी बुनियाद के ऊपर इस वक्त अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हैं बिसमी रफ़ रुख साहब इसमें दो तीन मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाएंगी सामने जहाँ तक रब ताला की तरफ से अजाब की बात है हम इस लिहाज से इंतहाई नसीब उम्मत हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहलाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हम अजाब से बचे हुए हैं वरना हकीकत ये है कि जिस तरह के हमारे ऐमाल हैं तो कभी के फस गए होते लेकिन ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है कि हम महफूज हैं अभी तक इंसान सरकशी पे उतरा हुआ है और फितरत के साथ फिडल करता है जिसकी वजह से फिर मुख, मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसे बड़ बड़े बड़े अजाब में फंस जाता है एक पहलू तो इसका ये है दूसरा पहलू ये है कि जब आप स्टूडेंट थे तो इकोनॉमिक्स के शुरू के असबाक जो हैं उनमें से एक सबक हम ये पढ़ते थे कुदरत ख़ुद ज़मीन और आबादी ज़मीन के वसाइल और आबादी इसका तनासब मेंटेन करती है और उस तनासब को मेंटेन इस तरह से किया जाता है कि जब आबादी तेज़ी से बढ़ जाए और वसाइल से बाहर होने लगे तो फिर क़ुदरती आफात तूफ़ान हैं जलजले हैं आग है क़ुदरती आफात आती हैं और उसके साथ साथ इंसान के हाथों कुछ ऐसे कारनामे मैं इसको अच्छी सेंस में नहीं कह रहा बुरी सेंस में अर्ज़ कर रहा हूँ जैसे जंग है वबाएँ भी उसी का हिस्सा हैं जो कुदरत की तरफ से हो जाता है। तो उससे वसाइल में और आबादी में एक तनास बरकरार रखती है फिसरत अब यह देखिए कि जंगल की आग से हम सभी लोग बड़े खौफज़दा भी होते हैं और उससे तंग भी होते हैं लेकिन ये कुदरत का अपना एक तरीका है कि जिस जंगल में कुदरती तौर पर आग भड़कती है वो जल के राख हो जाता है लेकिन उसके बाद जो वहीं से फिर नया जंगल उगता है वो पहले से ज्यादा घना और पहले से ज्यादा शादाब होता है तो ये कुदरत के कुछ अपने मैयर्स भी हैं जहाँ तक हमारी बात है हम बहुत खुश नसीब हैं अभी आप देख लीजिए कि आपके मशरक़ में क्या हो रहा है वहाँ की जो पर मिलियन हिट रेट है वायरस का वो हमसे कोई तीन सौ गुना ज़्यादा है घर तो ये कहा जा सकता है कि तो उनकी आबादी ज़्यादा है लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो हमसे सिर्फ पाँच पाँच गुना ज़्यादा है जी जी लेकिन वहाँ पे वायरस का हिट रेट हमसे तीन सौ गुना ज़्यादा है मगरब में भी हालात कुछ अर्सा पहले तक खासे दिगर गुन थे हम पर अल्लाह की ख़ास इनायत है कि हम इससे बचे हुए हैं लेकिन इससे ये नहीं हमें कॉन्फिडेंस ले लेना चाहिए कि हमें अपने अमाल पर नज़र षानी की ज़रूरत नहीं है नहीं। यकीनी तौर पर हमें अपने अमाल पर गौर करना चाहिए और हतल्कान तो को ही ये करनी चाहिए कि हमारे अमाल सुन्नत के एन मुताबिक ढल जाए जबकि अगर हम जरा सा भी ग़ौर करेंगे तो एक अजीब सी अजीब चीज दिखाई देती है वो ये है कि हमारे यहां दीन के बारे में अवेयरनेस पहले से बहुत हो गई और अच्छी चीज है हमारे पास मालूम होनी चाहिए लेकिन इसकी दूसरी साइड कुछ ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है नहीं। दीन पर अमल उतना ही कम होता जा रहा है हमारा एक खौफनाक ट्रेंड जो जिसने जन्म लिया वो ये है कि हम बात करते हुए कभी मोहतात नहीं रहते इस बात में कि हमारी इस बात का असर किसी और इंसान पर क्या आएगा उसकी पगड़ी उछल जाएगी उसके दिल को तकलीफ होगी हर्ट होगा वो उसका कोई नुकसान हो जाएगा हम बेधड़क बेदर बात कर जाते हैं जबकि बहसीत मुसलमान यह सबक हमें अजबर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया है कि वो हम में से नहीं है नहीं। जिसके हाथ या जुबान से दूसरे मुसलमान को ईज़ा पहुँचे ये मैं मफहोम बयान कर रहा हूँ लफ़्ज़ी हमें अपनी अमाल पर यकी तौर तो पर नज़र धानी कर लेनी चाहिए कि अल्लाह हम पर मज़ीद मेहरबान हो जाए अल्लाह के पसंदीदा बंदों में हम शुमार होने लगे और रब की रहमते हम पर पहले से कहीं ज्यादा बरसना शुरू हो जाए बिल्कुल सही है ये कुछ सवाल लोगों के हैं मेरे ख्याल में अगर आप इजाज़त दीजिए तो मैं असलवाले से कर लूँ ये है कि आपके यहाँ आप फकीरी का लफ्ज़ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है किताबें भी आपकी जो है उनके टाइटल फ़कीर के हवाले से हैं तो ये फ़कीर लिखना को ख़ास वजह है और फिर ये कि इस्लाम को अमली तौर पर अपनाना ही क्या फ़कीरी है देखिए ये लफ फ़कीर जो है इसका कोई मतलब नहीं है मास्वा इसके के अदब में भी लिटरेचर में अजरा इंकसार ये आपको जगह जगह लिखा हुआ मिल जाएगा कि इस आजिज़ की इस फकीर की ये एक इजहार है साजिश का लेकिन उसमें मेरी ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी नहीं। मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ कि ऐसी इंकसारी से काम ले लूँ वो तो मसला ये हुआ था कि जब ये किताब कंपाइल हुई है लिखी नहीं गई थी कंपाइल की गई थी तो इसका नाम मुझे नहीं मिल रहा था कहीं से तो चूंकि अपने बारे में तो मुझे अच्छी तरह मालूम है मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ तो मैंने बहुत से पढ़े लिखे लोगों को भी कंसल्ट किया नहीं। नहीं। लेकिन वो कुछ वहाँ से कोई सजेशन आई नहीं, नहीं।, नहीं। तो हमारे टीवी फिल्म ड्रामे के एक बहुत बड़े बहुत बड़ा नाम है शुजात हाशमी साहब ये तशीप लाए हुए थे मेरे पास और मुझे ये कहने लगे कि शाह साहब मैं सोच रहा हूँ कि कॉलम लिखने का एक सिलसिला शुरू किया जाए तो उस सिलसिले का नाम मैंने कहे फ़कीर रखा है अच्छा तो मैंने उनसे कहा कि ये बताइए ये कॉलम कब से शुरू करेंगे नहीं।, कि नहीं अभी तो सोच रहा हूँ वक्त लगेगा तो मैंने उनसे कहा कि साहब ये नाम बड़ा खूबसूरत है आपके सिलसिले का कहे फकीर तो मुझे अपनी किताब का नाम नहीं मिल रहा था एकदम से इसने क्लिक किया है दिमाग में तो अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो ये नाम मुझे अता फरमा दीजिए आप भले आदमी हैं खुले दिल के हैं बड़े दिल के हैं उन्होंने एक लम्हा लिया और जी आप ले लीजिए आज से आपका हो गया तो यूं उस किताब का नाम कह गया जब ये शाया हुई है तो तीसरे दिन इसका दूसरा एडिशन प्रिंट करना पड़ गया पब्लिशर को एक हफ्ते के अंदर इसके चार एडिशन प्रिंट हो गए थे तो पब्लिशर साहब ने मुझे फरमाया कि ये नाम बहुत क्लिक किया है तो आइंदा जितनी आपकी किताबें आ रही हैं उन सब के नाम के साथ फ़क़ीर लगा दें तो उस वक्त मैं एग्री कर गया बगैर कुछ सोचे समझे लेकिन बाद में पता ये लगा कि जब हर नई आने वाली किताब के नाम को तलाश करने में क्या दिक्कत पेश आ रही है कि हर किताब के नाम में एंड पर फकीर आए तो इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है और इसका तमाम तक क्रेडिट जनाब शुजाज हाशमी साहब का है नाम उन्होंने सोचा था और यह मेहरबानी फरमाई थी कि नाम मुझे अता फरमा दिया था उन्होंने ठीक अगर आप बता दीजिए छोटी सी ब्रेक ले, ले ब्रेक के बाद दोबारा होते हैं आपकी खिदमत में फ़िकन वह ब्रेक के बाद शाह साहब से हमारी गुफ्तू का सिलसिला जारी है अभी मैं उनसे बात कर रहा था फ़कीर लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया किताबों में और फिर अपनी ज़ात के हवाले से भी और उससे लोगों ने यह मतलब लेना शुरू किया कि फ़कीरी का खास तर्ज अमल कोई है जिसको अपनाना चाहिए और जिसके बारे में वो बार बार सवाल आप पूछते हैं कि फ़कीरी क्या है क्या इस्लाम को अपनाना ही असल फ़कीरी है क्या उसके ऊपर अमल करना ही असल फ़कीरी है इस हवाले से बार बार लोगों की बात आती है कि फ़कीरी दरवेशी लेकिन हम यहाँ पर दरवेशी का लफ्ज़ मायने भी वही आ जाएंगे जब आपकी उसमें बात आएगी अच्छा एक सवाल ये है शाह साहब यहाँ पर और वो ये है कि इस पूरी इस रंगो भू में इस वक्त जिस तरह की एक्टिविटीज़ में हम लोग मसरूफ़ हैं मशहूल हैं और उसमें आदमी बार बार अपने आप से पूछता है कि ये हौसले जुद्द जुद जुद क्या है मैं किस तरफ को जा रहा हूँ और मेरे जो तमाम अमूर हैं ये मुझे किस तरफ लेके जा रहे हैं जब आप तरह के लोगों की बात सुनता हूँ तो महसूस होता है कि मैं सब गलत हूँ मेरे तमाम काम जो हैं वो गलत हैं मुझे किसी और तरह की बात करनी चाहिए मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए कुछ और तरह की चीज़ें देखनी चाहिए इस हवाले से भी छात्र फरमाइए। देखिए इस्लाम में फकीरी नाम की कोई चीज़ नहीं है ये तो इतना प्यारा दीन है जी जी कि ये इंसान को आज़ादी देता है कि वो जिस तरह से चाहे अपनी ज़िंदगी गुजारे सिर्फ एक पैरामीटर सेट है उसका उसके हदूद मुकर है उसके अंदर रहते हुए आप को पूरी आज़ादी हासिल है जैसी चाहे ज़िंदगी गुजार लीजिए इस्लाम में बेहतर जिंदगी के लिए जदोजहद पे कोई कद नहीं है इस्लाम में वसाइल को बढ़ाने की जद्दोजहद की पर कोई पाबंदी नहीं है वो एक हदूद मकर हैं कि हम इसमें एल्बो का इस्तेमाल न करें हम किसी का हक ना मार लें ऐसी हदूद मकर है उसके अंदर रह के खुली छुट्टी है आज़ादी है कि जैसी और फिर अल्लाह ने अगर आप पर नीमते वसी की हैं तो आपके जाहिर से उन नियमतों का इज़हार भी होना चाहिए ये इस्लाम फ़कीरी को बल्कि जिस सेंस में हम फ़कीरी कह रहे हैं कि को दुनिया हो जाए उसको कंडेम किया है इस्लाम ने, ने। उसकी इजाज़त नहीं है ठीक है इस्लाम के अंदर तो जो आपके डिपेंडेंट हैं उनकी ज़िम्मेदारियां उसके लिए हम आंसरेबल हैं मैं इसके लिए पूरी तरह अल्लाह के हजूर आंसरेबल हूं कि मैंने अपनी फैमिली के साथ क्या सलूक रवा रखा है मैंने अपनी फैमिली को एक रीजनेबल लाइफ देने में क्या ज़द्दोज़हद की है मैं उन हक, उनके हकूक की अदायगी से भागता तो नहीं रहा मुझे उसका जवाब देना है रब को तारक दुनिया होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं इस्लाम में नहीं। हमारे लिए सबसे बड़े रोशनी का मीनार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर दुनियावी जिंदगी भी गुजारी है भरपूर दीनी ज़िंदगी भी है आप सल्लल्लाहु वसल्लम कि जिंदगी कौन सा ऐसा पहलू है जिसमें एक्सेल नहीं किया है नहीं। तो वो मिसाल हमारे पास है तो दुनिया होने का तो कोई सवाल ही नहीं है इस्लाम के अंदर कोई सवाल पैदा नहीं होता तो ये जो लफ्ज़ है इसको सिर्फ वहीं तक महदूद न महदूद किया है ठीक है जहाँ इंकसारी का इजहार हो गया ठीक क्योंकि हमारे यहाँ दरवेश है फ़कीरी है लफ्ज़ आजिज अपने लिए इस्तेमाल होता है अब अगर उसको आजिज जो लिटरेचर में लफ्ज़ इस्तेमाल हम करते हैं कि इस आजिज़ की राय में ये है बात तो वो तो अगर दूसरे तरह से उसको देख लेंगे तो वो बहुत बड़ा दावा बन जाएगा कि हमने अपने आप को मुजस्म में ही जाहिर कर दिया है ऐसा नहीं है इस्लाम तो बहुत प्यारा दीन है वो इंसान को आज़ादी देता है कि वो ज़िंदगी गुजार ले लेकिन उन हदूद के अंदर रह रहते हुए जो अल्लाह ने मुकर किए हैं यहाँ से तो एक हदीस मुबारक भी मुझे याद आती है एक सीरत का एक वाक़ा है और वो ये है कि साहबा के साथ नबी बैठे हुए थे तशरीफ़ फरमाते कि वो एक आदमी आया और उसने कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ उसको कहा कलमा पढ़ो उसने कलमा पढ़ लिया उसके बाद उसने कहा कि अब क्या करूँ उन्होंने कहा पहले क्या करते हो उसने कहा मैं जंगल से लकड़ियाँ काटता हूँ लकड़ हारा हूँ और बी बच्चों का पेट पालता हूँ उन्होंने कहा बस यही करो तो साहबा में से बाद ने कहा कि आपने उसको और बहुत कुछ नहीं बताया कि ये ये करना है ये ये करना है उनका ये जिम्मेदारी है बाकी काम ऐसे ऐसा खुद सीख लेगा तो ये जो एक बड़ी जिम्मेदारी है बिल्कुल आप एक फरमा रहे हैं जैसे कि उससे भागना नहीं है कहीं पर यह नहीं है कि उसमें लेकिन इसमें एक चीज़ सवाल ये पैदा होता है कि कुछ अर्से के लिए जो आदमी चला जाता है एक इबादत के लिए अपने आप को अलग कर लेता है क्या उसकी इजाजत है कि वो वापस फिर आए अपने अमाल दुरुस्त करने के बाद या अपने आप को इबादत में बेहतर करने के बाद एक ऊंचे मर्तबे पर फायद होने के बाद और फिर दुनिया में काम अपना जारी रखे लेकिन उस कुछ अरसे के लिए वो निकल जाए कहीं पे जिसको चिल्ला काटना भी कहते हैं लोग देखिए इस्लाम में तो एक सिंपल सीधी बात है एक जो हम क्रक्स ऑफ द मैटर कह लें वो ये है कि इस्लाम तो ये सिखाता है कि दीन एक हाथ में और दुनिया दूसरे हाथ में और इन दोनों को इसी तरह लेके इंसान साथ साथ चलता एक है बैलेंस करना है क्रिएट और फिर ये दुनिया हम नेक नियति से ये कहते हैं कि ये दुनिया कुछ नहीं मेरे ख़्याल में ये दुनिया बहुत अहम है इसलिए कि हमारी आखिरत का दारो मदार इस दुनिया की ज़िंदगी पर है कि हमने इस दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारी किस तरह से हम रहे हम दूसरों के लिए क्या थे इस पर दारो मदार है हमारी आखरत की ज़िंदगी का अगर मैं यहाँ ये ज़िंदगी इसको अहम समझ के गुजारता हूँ कि मैं यहाँ इस तरह से ज़िंदगी गुजार लूँ जैसे रब ने हुक्म दिया है तो मेरी आखरत संवर जाएगी तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिंदगी जो दुनिया में हम गुज़ारते हैं बहुत अहम है कि हमारी आखरत की जिंदगी का से हो जाएगा ठीक है कि हम यहाँ क्या थे कैसे रहे दूसरों के लिए हम क्या थे दूसरों के लिए हमने कुछ क्या किया ये इस बात पे हमें हमेशा चुकन्ना रहना चाहिए असल लफ्ज ये है ठीक है कि यहाँ पर जो पैरामीटर सेट किए हैं रफ्त ने कहीं हम उससे स्टेप और ना कर जाएं तो महफूज है बिल्कुल आपने जैसे शात फरमाया कि एक पैराीटर जैसे सेट किए हैं और वो पैरामीटर भी हमारे नबी अक्रम सर ने सेट किए हैं उसी के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारना है और बेशक्ष्ट उसी के मुताबिक ज़िंदगी का फिर दारदार होगा हमारी आखिरत के ऊपर कि हमारी आखिरत किस तरह की होगी अभी प्रोग्राम का वक्त है इजाज़त दीजिए और मैं आपसे भी इजाज़त लेना चाहूँगा अगले प्रोग्राम में इनशा फिर मिल लेंगे अभी इजाज़त दीजिए लाला हाफ़